हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार, आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर ली थी, है ना, कि भैया आखिर में न्यूरॉन को अगर देखा जाए तो कैसा दिखता है, ठीक है, उसकी सूरत कैसी है, शक्ल कैसी है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। एक एक चीज को लेबल भी करके देखा था बेटा, ठीक है, साइटोन क्या होता है, डेंड्रॉन कैसा होता है, ठीक है, एक्सॉन कैसा होता है, ये सब चीज देखा था, अच्छे से देखा था। अब उन्हीं पूरे न्यूरॉन स्ट्रक्चर के जो भी लेवल हमने पार्ट्स किए थे, उन सारे लेवल पार्ट में से हम लोग दो चीजों को उठा के थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो उठाएंगे हम नीसल्स ग्रेन्यूल के बारे में, और दूसरा उठाएंगे बेटा हम माइलिन शीथ के बारे में। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टर्म जो है वो क्या है, नीसल्स ग्रेन्यूल। स्टार्ट करते हैं बेटा, एकदम कॉपी पेन उठा लो पूरा, एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है, और साथ साथ में पढ़ते जाना है, क्लियर। नीसल्स ग्रेन्यूल सबसे पहला टॉपिक आज का। सर नीसल्स ग्रेन्यूल क्या होता है, आ जाओ देखते हैं बच्चों। अगर नीसल्स ग्रेन्यूल की हम बात करते हैं, नीसल्स ग्रेन्यूल की बात करते हैं बेटा, तो नीसल्स ग्रेन्यूल सबसे पहले कलर इसका कैसा होता है ये समझो। कलर जो होता है आपका वो होता है ग्रे। कैसा होता है? ग्रे, ठीक, बहुत बढ़िया। नीसल्स ग्रेन्यूल कहां पर प्रेजेंट होगा, कहां पर एब्सेंट होगा? ये जो होता है प्रेजेंट जो होता है वो होता है बेटा, प्रेजेंट जो होता है वो होता है साइटोन और डेंड्रॉन। मालूम है क्या होता है आपको, ठीक है। और एब्सेंट कहां पर सर होता है, तो एब्सेंट होता है ये, ठीक है, एब्सेंट होता है एक्सॉन, एक्सॉन प्लस एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक क्या है सर, ये गर्दन है। किसकी गर्दन? तुम्हारी, मेरी ना, न्यूरॉन की, न्यूरॉन की गर्दन है, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे डायग्राम से, देखो ये था तुम्हारा साइटोन, साइटोन के अंदर क्या था, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी को क्या बोलते थे, साइटोन बोलते थे, सोमा बोलते थे, पेरिकेरियन बोलते थे, ठीक है, ओके। और यहां से निकले होते थे प्रोसेसेस, दो तरीके के प्रोसेस होते थे, एक होता था ब्रांच और एक होता था अनब्रांच। ब्रांच वाले प्रोसेस को बोलते थे डेंड्रॉन, और अनब्रांच वाला प्रोसेस जो था ये था एक्सॉन। कोई समस्या? ये था एक्सॉन। तो ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया डेंड्रॉन, ब्रांच वाला डेंड्रॉन, और ये यहां पर क्या है, ये है एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। कोई समस्या? ठीक है। और ये क्या है, ये है साइटोन, साइटोन। तो देखो साइटोन में और डेंड्रॉन में क्या होगा, नीसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, यहां पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक में क्या होगा, नीसल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट होंगे। क्या समझ में आया चिपका ये कंसेप्ट? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े बेटा, अब समझो ध्यान से। सर काम क्या करता है ये नीसल्स ग्रेन्यूल? तो देखो इसका काम जो है बेटा, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है बेटा। कोई दिक्कत है? सर स्ट्रक्चर को थोड़ा बताओ, आ जाओ देखते हैं। देखो ये है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट्स से ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तुमने रख दिया राइबोसोम। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा तुम्हें कुछ दिन तक लेक्चर देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें असुविधा हो सकती है, ठीक है, ओके, क्योंकि मेरे गले में खराश बहुत है, मतलब मुझे कफ हुआ है, खांसी हुआ है, सही है, ओके, खांसी हुआ है, तो भैया खांसी के हालत में भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसलिए जो भी आपको इनकन्वीनियंस होगी, ठीक है, उसके लिए फिर से एक बार खेल है, ठीक है, ओके, तो अपना ध्यान मैं बोलूंगा पढ़ाई पर रखे रहना है, ठीक है, क्योंकि असुविधाएं तो आती रहती है बच्चों, ठीक है, असुविधाएं तो, असुविधाएं यानी इनकन्वीनियंस जो है उनसे तो आपको लाइफ टाइम लड़ना है, ठीक है, लेकिन फोकस आपका
मेन एम पर होना चाहिए, राइट। चलो आ जाओ, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, ठीक है, किससे, इससे बना आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चर जो मिलके बना वो आपका क्या बना, नीसस ग्रेन्यूल बना, यही कहलाता है नीसस ग्रेन्यूल। अच्छा, ये राइबोसोम है, ये देखो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, बोलो सही है, ओके। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, बना लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से, ठीक है। यही है आपका नीसस ग्रेन्यूल, क्लियर है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। देखो कलर ग्रे होता है, प्रेजेंट होता है साइटॉन डेंड्रॉन में, एब्सेंट होता है एक्सॉन एक्सॉन लॉक में, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बनता है। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे, ले लिया होगा, अरे आप कितना टाइम लोगे, चलो आ जाओ देखते हैं आगे। शौक होता है, चलो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास में गाना सुनाने लगूंगा, ठीक है, क्लास क्लास में गाना नहीं सुनाता हूँ मैं, ठीक है, वैसे मास्टरों की तरह मत समझ लेना मेरे को, ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। हाँ, अब आता है अपना मेन कॉन्सेप्ट आज का, मेन दमदार हथियार, ठीक है, काम दमदार, ठीक है, नाम ईमानदार, ठीक है, पढ़ लो देख लो आ जाओ। हाँ, वो यूपी यूपी का जो चुनाव वाला एड होता है ना, उसके अंदर पता नहीं कुछ ऐसे लिखा, काम दमदार नाम ऐसा वाला कुछ होता, ठीक है, तो वही याद आ गया मेरे को। खैर, अगला कंसेप्ट है बेटा अपना माइलिन शीथ के बारे में, माइलिन शीथ देखेंगे बच्चों। देखो बेटा, कोई भी न्यूरॉन जो होता है अगर उसके ऊपर माइलिन शीथ जो रहती है, ठीक है, किसी भी माइलिनेटेड न्यूरॉन, तुम ऐसे समझो कि किसी भी तुम माइलिनेटेड न्यूरॉन को तुम उठाओगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन यानी कि उसके ऊपर माइलिन शीथ होगी, बहुत बढ़िया, तो जो माइलिन शीथ होगी उसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा होगा, इंसुलेशन, उसी इंसुलेशन को तुम माइलिन शीथ बोल रहे हो, सही है। तो माइलिन शीथ इज नथिंग बट ओनली एंड ओनली इट इज एन इंसुलेटेड लेयर विच हेल्प्स इन फास्टर कंडक्शन, विच हेल्प्स इन कंडक्शन, मतलब समझो कि जो भी अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है उस पर कंडक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट होगी, ठीक है, और जिस पर माइलिन जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है उस पर कंडक्शन क्या होगी, स्लो होगी। कंडक्शन में हेल्प करता है माइलिन शीथ, ये इंसुलेटेड लेयर है। इंसुलेटेड लेयर सर बोले तो जैसे घर में बिजली के तार होते हैं ना, तो वो नंगे तार अगर तुम उसको देखो, एक तो कॉपर का वायर ले लो चाहे एल्युमिनियम का, तो बीच में से निकाल भी लेते हो ना तार, ऐसे देखो ये कॉपर का वायर बीच में से निकाल लेते हो, कोई तार हो रहा है क्या यहाँ पर दिखाने के लिए, नहीं, चलो ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगी रहती है, कॉपर के वायर के ऊपर आपकी इंसुलेशन लगी रहती है प्लास्टिक की, राइट बच्चों, प्लास्टिक की इंसुलेशन लगी रहती है, ठीक है, ओके, तो वो इंसुलेटेड होता है। इसी तरीके से न्यूरॉन्स के एक्सॉन के ऊपर भी इंसुलेशन लगा रहता है बेटा, न्यूरॉन्स के एक्सॉन के ऊपर भी इंसुलेटेड लगा रहता है, कैसे न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर नहीं इंसुलेटेड लेयर होंगी, किस पर होंगी, माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्लियर है। तो माइलिन शीथ को हम क्या बोलते हैं, इट इज एन इंसुलेटेड लेयर, और इसका कलर जो होता है बेटा वो व्हाइट होता है, क्या होता है बच्चों, व्हाइट होता है, ठीक है, तो माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटेड लेयर, इंसुलेटेड लेयर, और इसका कलर जो होता है वो होता है बेटा व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर, सफेद, ठीक है, ओके, इसका ग्रे नहीं होता है, व्हाइट होता है, बड़े बड़े ध्यान से देखना, आगे चल के आप लोग देखते होगे या टेंथ में का याद होगा या फिर ड्रॉपर वालों को इलेवेंथ का याद होगा, तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बताया जाता था, अगर इसको नहीं समझोगे तो वो चीज नहीं समझ में आएगी, इसलिए ध्यान से देखना। तो इंसुलेटेड लेयर होती है आपकी माइलिन शीथ और व्हाइट कलर की होती है भाई। अगली बात देखो ध्यान से, ठीक है, ओके, बनी किसकी रहती है, ये बनी किससे होती है, तो इट इज फॉर्म बाय बेटा, फॉर्म बाय प्रोटीन
प्लस फॉस्फो लिपिड, इतना ही याद रखो। फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा आपका स्फिंगोलिपिड होता है, लिपिड क्या होते हैं सर ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ओके। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर है ओके, चल आगे बढ़े। तो ये इससे बना होता है बेटा प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से, और इंसुलेटेड लेयर होता है। अब समझो ध्यान से समझो, देखो बेटा माइलिन शीथ जिन न्यूरॉन्स पर होगी वो कहलाएंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिन न्यूरॉन्स पर नहीं होगी वो कहलाएंगे नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो माइलिन शीथ आपकी देखो सीएनएस पर भी प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन सीएनएस पर भी प्रेजेंट होती है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस पर भी प्रेजेंट होती है, सीएनएस पर भी प्रेजेंट होती है और पीएनएस पर भी प्रेजेंट होती है। अब सुनो, पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा एसएनएस और एक होता है एएनएस। आगे बताएंगे एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक, ठीक है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सही है ओके। और सीएनएस की बात करें, अब देखो ये हो गया क्लियर है। अब देखो सीएनएस में देखो मोस्टली जो न्यूरॉन होते हैं बेटा मोस्टली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली। कैसे न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और पीएनएस के अंदर देखें तो देखो फिर से समझो मैंने क्या बोला है बच्चों, मैंने मोस्टली बोला है, मोस्टली मोस्टली का मतलब सब नहीं, ज्यादातर न्यूरॉन्स यहां पर कैसे है माइलिनेटेड है। मोस्टली का मतलब बच्चे यहां पर समझ लेते हैं सब जल्दी जल्दी में, नहीं ज्यादातर न्यूरॉन यानी कि सर सीएनएस में भी, मतलब कि इसका मतलब ये है सर कि सीएनएस में भी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, हाँ होते हैं ठीक है, लेकिन ज्यादातर कौन से मिलेंगे माइलिनेटेड मिलेंगे, समझ में आ रही है बात सॉरी बच्चों है ना ओके। नाउ पीएनएस की बात करें तो पीएनएस के अंदर भी आपके पास माइलिनेटेड होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं प्लस साथ में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से हाँ इधर इधर सब लोग इधर आ जाओ, इधर देखो देखो ऐसे इसको इसी तरीके से बनाना। देखो एसएनएस में मोस्टली माइलिनेटेड होगा लेकिन एएनएस में मोस्टली नॉन माइलिनेटेड होगा, बोलो सही है, अब चिपका क्लियर है। एसएनएस में मोस्टली माइलिनेटेड होगा बच्चों, और यहां पर एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मोस्टली क्या रहेगा नॉन माइलिनेटेड, क्लियर है, अरे बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत है ठीक है ओके बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास न्यूरॉन सीएनएस का है बच्चों, किसका सीएनएस का है ठीक है, अगर मेरे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन सीएनएस का है तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन उसके ऊपर जो माइलिन शीथ बनी है वो माइलिन शीथ किसने बनाई होगी, ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल ने, सही है। फिर से बोल रहा हूं, अगर मेरे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन सीएनएस का है तो उस माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर की जो माइलिन शीथ होगी वो किसने बनाई होगी, ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल ने। और अगर मेरे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन पीएनएस का हो तो उसका उसका माइलिन शीथ किसने बनाया होगा, श्वान सेल ने, किसने बनाया होगा, श्वान सेल ने बनाया होगा ठीक है। अब एक मजेदार बात बताता हूं बेटा, यहां पर ज्यादातर आपके ऐसे न्यूरॉन मिल जाएंगे ठीक है, आपके नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मिलेंगे यहां पर, लेकिन उन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में खास बात यह होगी कि वहां पर श्वान सेल प्रेजेंट होंगे ठीक है ना, मतलब इसको लिंक करो इवोल्यूशन से, अगर गलती से भी श्वान सेल ने नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पर बनाना स्टार्ट कर दिया माइलिन शीथ, तो सोचो ह्यूमन बॉडी की सोच कहां चली जाएगी बच्चों, कितना फास्ट हो जाएगा वो ठीक है, बहुत ही अमेजिंग इवोल्यूशन, मतलब देखो ये पता लग रहा है यहां पर, हाँ ठीक है श्वान सेल प्रेजेंट है यहां पर ठीक है, यहां पर नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल प्रेजेंट है बट यहां पर माइलिन शीथ बन नहीं रहा है सही है, और माइलिनेटेड वाला तो श्वान सेल बना ही रहा है क्लियर है, कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम ठीक है। तो यहां पर ये बातें आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी,
ठीक है देखो, तो अगर मैं CNS के माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करता हूं तो उसके ऊपर माइलिन शीथ कौन बनाता है बेटा, उसके ऊपर बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो इसके ऊपर माइलिन शीथ कौन बनाता है, फॉर्म बाय ओलिगो, ठीक है, ओलिगो डेंड्रो साइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ये कैसा माइलिन शीथ बनाता है रे बाबा, ये बनाता है बेटा देखो ध्यान से, ये बनाता है फॉर्म कॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ, ठीक है, एच भूल गया था कहां जा रहे भी? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ विथ फ्यू, बहुत ही कम, ठीक है, विथ फ्यू नोड्स ऑफ रन वायर। सर ये क्या होता है नोड्स ऑफ रन वायर, याद करो लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया दो माइलिन शीथ है ना, उसके बीच में जो जगह पाई गई थी आपकी, ठीक है, तो वो आपकी नोड ऑफ रन वायर रहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो ये कहानी होती है CNS की। अब अगर मैं PNS की बात करता हूं तो PNS के अंदर भी माइलिन शीथ किससे बनता है, फॉर्म बाय, यहां पे थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म बाय श्वान सेल, ठीक है। ये कैसा माइलिन शीथ बनाता है बच्चों, ये बनाता है फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूअस ब्रेक हो के, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ, MS लिख दे रहा हूं, जगह कम है, ठीक है, MS लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगह कम है भाई, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ विथ मैनी। अब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो भैया बहुत ज्यादा आपके नोड्स ऑफ रन वायर होंगे, विथ मैनी नोड्स ऑफ एन नोड्स ओ ऑफ और आर, ठीक है, रन वायर शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, ठीक है, जगह कम थी, नॉर, फिजिक्स में पढ़ते होगे तुम लोग नॉर गेट है ना, यहां पर ये नॉर कौन सा है, नोड्स ऑफ रन वायर, ये MS कौन सा है बेटा, माइलिन शीथ, ये नॉर कौन सा है, नोड्स ऑफ रन वायर। क्या यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मजेदार कॉन्सेप्ट है यार, एकदम मजेदार, मजा आ जाएगा, ठीक है, देख लो जरा कैमरा चल रहा है ना, सब कुछ यहाँ जुगाड़ वाला है भाई, है ना, पता चला कैमरा बीच में बंद हो गया, हाँ चल तो रहा है, क्या बात है, ओ हो वाह, चल आगे बढ़ते हैं, ओके मिटा दूं, चल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, मतलब कि अगर मैं देखूं, देखो किस तरीके की आपके कहानी आगे होती है, चलो मैं सोचा कि बिना दिखाए ही बता दो, लेकिन दिखा के बताऊंगा, हाँ देख देख, अगर हम CNS वाले माइलिनेटेड न्यूरॉन का डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा बेटा, ये रही एक्सॉन, ठीक है, ये रही एक्सॉन, ओके, और इसके ऊपर है माइलिन शीथ, ये कॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ किसने बनाई होगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल में ये माइलिन शीथ बनी है, सही है, ओके, कोई दिक्कत है, अच्छा तो इसको किसने बनाया होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ने, लो यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बना भी देते हैं, अपन ये सेल है जिसको बोल रहे हैं हम क्या, ओलिगो
डेंड्रो, डेंड्रफ नहीं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है ना। ओके कैसा माइलिनशीट बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस सर फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस माइलिनशीट। और इसको हम लोग देख लेते हैं अगला, जहां पर क्या है आपके श्वान सेल्स प्रेजेंट हैं और ये माइलिन शीट बना रहे हैं, ये श्वान सेल्स जो कि कैसा माइलिन शीट बना रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा। और कुछ माइलिन शीट आप कुछ कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं किसमें आपके पीएनएस में जो कि अनमाइलिनेटेड है, लेकिन उन पर क्या है श्वान सेल प्रेजेंट है बच्चों, श्वान सेल प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीट बनी नहीं है। लो ये श्वान सेल हमने दिखा दिया, माइलिन शीट आपकी बनी नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये कौन से सेल है, श्वान सेल्स, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पर माइलिन शीट बना रहे हैं, यहां पर नहीं बना रहे, ठीक है। ओके ये इवोल्यूशनरी कंसेप्ट से आया हुआ है, और गलती से ये मान लो बनाने लग गए हमारे पीएनएस में तो सोचो कितनी मस्त पावर आ जाएगी, जल्द जीत जाएंगे हम लोग, है ना, एकदम राज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बना नहीं रहे फिलहाल के लिए, अभी तो नहीं बना रहे, सही है। ओके तो मेरा सवाल ये है कि तुम बताओ कंडक्शन किसमें सबसे ज्यादा तेज होगी, सर सबसे ज्यादा कंडक्शन इसमें होगी, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट इसके अंदर कंडक्शन होगी, फास्ट फास्ट, ठीक है। ये जंप करते हुए कंडक्शन होगा इसमें, ठीक है, ये जंप करते हुए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जाएगा कंडक्शन। और इस कंडक्शन को तुम बोलते हो साल्टेटरी कंडक्शन, क्या बोलते हो, साल्टेटरी कंडक्शन, कंडक्शन। और ये वाला यहां पर स्लो कंडक्शन होगी, स्लो, कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से बच्चों लेक्चर आपको समझ में आई होगी बातें, ठीक है। ओके यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीसल्स ग्रेन्यूल और आपका माइलिन शीथ यहां पर समाप्त होता है बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और थोड़ा लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब्सक्राइब वगैरह, है ना, और भैया देखो अच्छे से मौज से, ठीक है। ओके थोड़ा फैलाओ यार वीडियो, ठीक है, क्या कर रहे हो यार बच्चों, है ना, इतनी मेहनत लग रही है। चलो कोई कोई नहीं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन तभी भी बोल रहा हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा कर देना यार, है ना। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़े कि छोड़ दे, देख लेता हूँ कितना टाइम का हो गया, 23 मिनट का हो गया है, 23 मिनट, 23 मिनट, ठीक है। ओके चलो 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 रहने देते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके जय हिंद बच्चों, ओके।